एशियन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन खान। आप देख रहे हैं धनबाद और आसपास की खबरों के साथ साथ देश के कोने कोने से ताजा तरीन खबरें। आइए जानते हैं खबरों पर। कुल्टी नगर निगम की डिप्टी मेयर ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से घोषणा की कि वार्ड 48 के मस्जिद में पेश इमाम और मुअज्जिन के लिए राशि और खाने की व्यवस्था की जाएगी। राशि के रूप में इमाम साहब के लिए 1,000 रुपये और मुअज्जिन साहब के लिए 500 रुपये के साथ साथ खाने की सामग्री दिए जाने की घोषणा की गई। आपको बताते चलें कि इतनी कम राशि से पेश इमाम साहब और मुअज्जिन के लिए क्या होगा आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। साथ ही साथ तमाम मस्जिदों के पेश इमाम और मुअज्जिन काफ़ी परेशान हाल में हैं, क्योंकि उनके सामने भी लॉकडाउन की मार दिख रही है। डिप्टी मेयर ने एक अच्छी पहल की है ज़रूर, पर यह राशि काफ़ी कम है, जिसको लेकर लोगों में चर्चा का विषय है। डिप्टी मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह घोषणा की, परंतु उन्हें इस तरह की घोषणा करने का क्या तूक है यह समझ में नहीं आया। घोषणा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह राशि और खाने की सामग्री पहुंचाई जा सकती थी। सभी मस्जिदों के मुअज्जिन और पेश इमाम के लिए और इतनी कम राशि देकर उन लोगों के साथ क्या इंसाफ किया जा रहा है, यह आप समझ सकते हैं। डिप्टी मेयर ने एक अच्छी पहल की शुरुआत तो ज़रूर की है, पर यह सभी मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन के लिए होना चाहिए था और राशि बढ़ाई जानी चाहिए थी। पूरे क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिप्टी मेयर यह घोषणा कर रही हैं। कुल्टी से वसीम खान की रिपोर्ट। एसएमई में हमारे 48 इमाम साहब मुअज्जिन मिलाकर है, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ रिलीफ देना चाह रही हूँ। इमाम साहब के लिए 1,000 रुपये कुछ गिफ्ट और हमारे मुअज्जिन साहब के लिए 500 रुपये और कुछ गिफ्ट देंगे। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम लोगों तक पहुँच सके। कुछ दिन हम लोगों ने अनाज भी बाहर लोगों में तकसीम किए, इफ्तार की भी तकसीम किए। इस बार मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं इमाम साहब मौजूद साहब को भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि उनका भी हक बनता है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं। यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों में बहुत सी परेशानी चली आ रही है। हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी COVID-19 की लड़ाई में हर लड़ाई में हर कदम में हम लोगों के साथ हैं। हमें गर्व है कि हमें ऐसी वज़ीर आला ममता बनर्जी मिली और हम उनकी सिपाही है छोटी सी। हम हर एक लड़ाई में उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कल हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है,
कि हमारे राजस्थान कोटा शहर से हमारे 60 स्टूडेंट आसनसोल शहर में आए हैं। यह हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी की कदम है, उसके लिए मैं बहुत बहुत तहदिल से शुक्रिया अदा करूँगी। हमारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं और भी जो भी लोग बाहर हैं उन लोगों को भी कोशिश कर रही है लाने के लिए। तो मैं तमाम शहरियों से, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, गुजारिश करूँगी, इस COVID-19 की लड़ाई में आप लोग जिस तरह से इतने दिनों हम लोगों के साथ दिए, हमारे प्रशासन का साथ दिए, डॉक्टर्स का साथ दिए, आगे भी इसी तरह हमारा साथ दीजिए ताकि इस लड़ाई में हमें जीत हासिल हो। हम लोगों से मेरी एक ही अपील है कि आप लोग जरूरत के तहत बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले, 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, 1-1 घंटा में हाथ धोए, ये मेरी कोशिश है। और मैं कोशिश करूँगी अपने आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, अपने मेयर हमारे जो जतिंदर कुमार तिवारी साहब है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, गुजारिश करूँगी, इस तरह का पहल आप जितने भी हमारे आसनसोल कॉर्पोरेशन एरिया में मौजूद इमाम साहब हैं उनको कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ रकम या कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि उनको राहत मिले। ये मेरी मेयर साहब से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मैं मेयर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि आसनसोल में जितने भी हमारे कॉर्पोरेशन एरिया में आते हैं मस्जिद के इमाम साहब, मौजूद साहब, उनको हम लोग कॉर्पोरेशन की तरफ जरिया कुछ दे। एक बार फिर से आप सबको रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो, और आप इस तरह से COVID-19 लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले, 2 मीटर की दूरी पे रहे, यही कहने आप लोगों से आई हूँ। पोल्टी में हमारे पोल्टी असेंबली में हमारे 48 मस्जिद है, उस मस्जिद में हमारे पोल्टी रेल पार में है, बड़ाकर है, चीनाकोड़ी है, न्यामतपुर है, डीशरगढ़ है, तमाम पोल्टी असेंबली के इलाके को लेकर 48 मस्जिद है। उस मस्जिद के तमाम मेरी एक छोटी सी कोशिश है, मैं उन लोगों तक पहुंच रही हूं जो हमारे एकेडमी के जरिए मैं पहुंच रही हूं। मेरी एकेडमी का नाम है कादिया करमिया एंड एटीजी अब्दुल एकेडमी। आज के लिए बस इतना ही। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ।